अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ इजी मेथड में ये नेक डिज़ाइन की कटिंग या स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। बहुत इजीली बनेगा, ठीक है। डिफरेंट कलर की हमने लेनी है जी ज्वाइंट लेस, ब्लैक कलर की भी लेनी है, ठीक है, और एक कलर की और लेनी है, वो मैंने आपको दिखाना भूल गई। सबसे पहले हम इस नेक की कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। इसकी कटिंग करते हैं इस तरीके से, इसकी मार्किंग कर लेते हैं, और जल्दी से इसकी मार्किंग करने के बाद इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इस नेक की कटिंग एंड स्टिचिंग किस तरीके से हो सकती है। बहुत स्टाइलिश और ट्रेंडिंग नेक डिज़ाइन है जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो इसकी हम कटिंग एंड स्टिचिंग आपको सिखाने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप अपनी वीडियो को देखना है और ज़रूर लास्ट तक वॉच करना है। तो इस तरीके से इसकी कटिंग हमारे पास होकर कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा जी, अब हमने क्या इसको पेस्ट कर लिया। ये ब्लैक कलर की एक मेरे पास ज्वाइंट लेस है, और अब इसकी हमने सबसे पहले आपने बाहर की तरफ से इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है, ठीक है। इस नेक को हमने कर लेना है बिल्कुल रेडी इस तरीके से फोल्डिंग करते हो। अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, जी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और आल पर ज़रूर क्लिक कर लें। दरमियान में हमने जो है ना कमीज़ के भी जो हमारी शॉर्ट है उसके भी हमने दरमियान में टुका लगा लिया, और इसके भी दरमियान में, और कच्ची सिलाई लगाते हुए अपने नेक को बिल्कुल दरमियान में जो है ना स्टिच कर लेना है हमने। और बाद में इस तरीके से हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते हुए अपनी सिलाई को बाहर की तरफ निकाल लेना है इस तरीके से। धागे को कट करते हैं। इस टाइप की और वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं, एंड स्क्रीन भी लगा दूंगी और आड़ी बटन में मैं लिंक्स भी शो कर दूंगी। और प्लीज़ 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 जो जो मेरी वीडियो देख रहा है प्लीज़ सपोर्ट मी, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस टाइप की और वीडियो आती रहेगी इंटरेस्टिंग और डिज़ाइनिंग के देखने के लिए, इंटरेस्टिंग वीडियोस और डिज़ाइनिंग वाली वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस टाइप की वीडियो इंशाल्लाह मैं शेयर करती रहती हूँ, वीडियो अपलोड करती रहती हूँ, तो आपने ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब हमने जो बाहर की तरफ इसके अंदर अंदर हमने बिल्कुल इसके साथ भी बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगा लेनी है और इस नेक को कर लेना है हमने बिल्कुल रेडी। एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेते हैं। एक अंदर हमने सिलाई लगा ली है, अब दूसरे के अंदर हमने सिलाई लगा लेनी है जो हमने डिज़ाइनिंग रेडी करनी है। उसके अंदर अंदर सिलाइयाँ हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगानी है, बुकरम के ऊपर आपने सिलाई नहीं लगानी। तो इसके अंदर अंदर हमने सिलाई लगा कर इसको नेक को हमने कर लिया रेडी। एक साइड पर हमने सिलाइयाँ लगा ली, सेम मेथड आपने दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से सिलाइयाँ लगा लेनी और इस नेक को कर लेना रेडी। अब इसके अंदर की हमने कटिंग कर लेनी है, और अंदर हमने इस तरीके से इसके कॉर्नर जो है ना उसके अंदर हल्के हल्के से कट लगाने हैं, लेकिन अपनी सिलाई को कट करे बगैर सिलाई को कटिंग नहीं करना। अब इस तरीके से हमने एक निडल में धागा डालना है और उसको पक्का करना है, सिरे से आपने अच्छे से पक्का कर लेना है ताकि हमारा जो धागा है ना टूट ना जाए, ठीक है। इस तरीके से आपने इसे अच्छे से बाहर निकाल लेना है, ठीक है। इस तरीके से ये बाहर निकल कर हमारा नेक आ जाएगा। अब दूसरी जो है हमारी पट्टी उसको भी आपने इसी तरीके से बाहर निकाल लेना है निडल की मदद से। ये देखें इस तरीके से अच्छे से हमने इसको बाहर निकाल लेना है। थोड़ा आस्ता आस्ता ये काम आपने करना है, इसमें तेज़ी नहीं करनी। अच्छे से आप इसे आस्ता आस्ता निकालेंगे तो ये इजीली आपकी जो पट्टियां हैं वो निकल कर रेडी हो जाएंगी। इस पर आपने प्रेस लगा लेना। अब इसके अंदर हमने एक मैंने ये ज्वाइंट लेस ली है चौड़ी वाली, ठीक है। तो ये जो हमारा चौड़ा है, ठीक है, एक कट हमारा चौड़ा है, ठीक है, एक कट हमारा जो है ना थोड़ा चौड़ा है, उसमें चौड़ी लेस लगानी है, और एक कट हमारा जो है ना ये दो से तीन सूत का है, तो उसके अंदर हमने जो ब्लैक वाली ज्वाइंट लेस है ना वो लगानी है, ठीक है। डिज़ाइनिंग को हमने इस तरीके से रेडी करना है। तो आप चाहें तो ग्लू की मदद से भी पहले इसको लगा ले और बाद में इसके ऊपर सिलाई चला ले, लेकिन मैं ऐसे ही सिलाई चलाते हुए इसके अंदर ज्वाइंट लेस लगा लूँगी। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से एक्स्ट्रा ज्वाइंट लेस जो है ना वो मैंने कट कर लेनी है, ठीक है। एक तरफ से मैंने लगा ली, दूसरी तरफ से मैंने ब्लैक लगानी है ज्वाइंट लेस। तो इस तरीके से हमने इसको भी बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाते हुए इसके अंदर हमने ज्वाइंट लेस लगा लेनी है ब्लैक कलर की। टू कलर की मैंने ज्वाइंट लेस ली है, एक थोड़ी चौड़ी है और एक बारीक है, तो मैंने दोनों जो है ना उसको डिज़ाइनिंग का अपनी का हिस्सा बनाया है। तो बहुत इजीली मेथड मैंने आपको सिखाया है, आई होप कि आपको समझ आई होगी।
अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मेरा न्यू चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट मी, और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे अपनी राय का ज़रूर इज़हार करना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो इसी तरीके से हमने दोनों साइडों पर लगा लिया, नेक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये थी जी आज की हमारी वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गई आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें, कमेंट बॉक्स में आकर मुझे ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई आल।